नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 42 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि बस जनरल एनालिसिस करना है और मुझे आगे फ्यूचर में क्या करूं जिससे मेरा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बने। एक डार्क हॉरिजेंटल लाइन अंगूठे से निकल रही है, इसका क्या मतलब है? 10 साल पहले यह नहीं थी। ब्लंडर मिस्टेक कर लिया आपने, जनरल एनालिसिस कर लिया आपने मेरे साथ। मेरे साथ जो एडवांस पामिस्ट्री करने वाला व्यक्ति, आप क्या जंगल में रह रहे हो? ऊपर ऊपर से बता दो, फिजिशियन का क्या मतलब होता है? जर्नल फिजिशियन डॉक्टर का क्या मतलब है? छोटी मोटी बीमारी देखने वाला सर्जन कौन होता है? अगर आंख पे या कहीं पर चोट लगी है, जर्नल एनालिसिस जर्नल डॉक्टर के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे? क्योंकि ये नाजुक मामला है। आपके नाजुक मामलों में आपने मेरे से जर्नल एनालिसिस करा, तो इसके दो ही कारण है। या तो आप जो है आप मेरे वीडियो से मेरे से परिचित नहीं थे, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, ध्यान से नहीं देखे होंगे, अपनी बस एक बात को देख लिया होगा, वो लाइन के चक्कर में आपने मेरे से करा लिया होगा, या मुझे टेस्ट करना चाह रहे हो। दो ही कारण हो सकते हैं ना। हम समाज में रहते हैं, क्या आपको कोई बीमारी पूछनी चाहिए थी? नहीं पूछनी चाहिए थी। मम्मी के बारे में, सास के बारे में, बहन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी जॉब में ट्रांसफ़र के बारे में आपको ये पूछना चाहिए था? नहीं पूछना चाहिए था। मेरे को तो कोई बीमारी नहीं आएगी। बीबी की जॉब के बारे में, अरे ये क्या मेरे हाथ में आपको? हाँ हाँ, सब पता लगता है। ओहो सर, गलती कर दी। तो मैंने भी जानबूझ के लिखा, ड्यू टू जर्नल एनालिसिस व्हाई डू आई गो फॉर द एडवांस पामिस्ट्री। वो भी मैंने नीचे वाली लाइनों पर इंटेंशनली आपकी बात रखने के लिए, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, इसको सर्च करा कि ये क्यों बनी है, ये बनी है तो क्यों बनी, ये 10 साल पहले वाली लाइन क्यों आई। इसका मतलब ये है कि 10 साल, 42 साल की उम्र है, 10 साल पहले आई है, ये कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए आई होगी। वो लाइन अंगूठे से रिलेटेड निकली है, लाइन ज़रूर होगी, कुछ चीज़ें सॉल्व करवाएगी। अब यानी 32 साल, 32 साल के करीब करीब में मुझे देखना पड़ेगा। मैं 30 से सर्च करूँगा, देख लेना, यही आपकी सारी चीज़ें बिगड़ेंगी जो प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड, धीरे 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 एंड फिर वो और मैस होगी। और जैसे जैसे 40-42 साल आएगा, वो 10 साल का जो टाइम पीरियड होगा, वो रेखा अपने आप चीज़ों को क्लियर कर देगी। इट मीन्स कि राइट हैंड आपको एक कहता है, मैं अब रेखा उभर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं लाऊंगी, पहले दिक्कत फिर सॉल्व कराने के लिए आई हूँ, और आप सोचते हो, घबरा जाते हो, आप उनको ये पीछे क्यों बन रहे हैं, स्क्वायर ये प्रॉपर्टी को ये क्यों बन रहे हैं, ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं। आपने मेरे से जनरल एनालिसिस कराया, अब आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये व्यक्ति अभी 4-5 दिन पहले एक एनालिसिस ऑल प्रोडिक्शन, ये 1000% क्यों बोला, 100% ही बोल देते भाई। ट्रू सारा बताया सर ने, मेरे बारे में, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी बताया, भाई बहन सब के बारे में, सो एंड सो। क्यों भैया 1000% क्यों कहा? क्योंकि उसकी हर बात सही निकली, हर बात, एक एक चीज, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट पे क्या सोच रहा है वो व्यक्ति, आप क्या सोच रहे हो, आपकी नहीं निकली। जब निकली तब आपने कहा सर गलती हो गई, आप ऐसा करो मेरी बहन के बारे में ही बता दो, बोला ना आपने। क्यों? यानी आप सबसे कहता हूं, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। 20 साल और 25 साल के बीच का सफर में ही हमें पकड़ना होता है कि 20 साल की रेखा कौन सी है। यानी ये लाइन जो आई है ये 19 साल पर आई है, ठीक है, ये जो लाइन आई है ये 19 साल पर आई है, ये 20 साल है। इस 20 साल पर क्या साइन बने हुए जरा देखो, हम ये देखो, इस 20 पर पहले एक कट का निशान, इसके बाद यूं, नहीं जगह चेंज करेंगे। इस पर ये साइन क्या है, ये स्टडी का मैटर है, ये क्या है, स्टडी का मैटर है, ठीक है, एक रेखा है, चलो समय तो सही चल रहा है, ये 24, इसके बाद क्या साइन आया, ये ट्रायंगल बना है, ये भी स्टडी का मैटर है, इसलिए बना है ये साइन, ये भी स्टडी का मैटर है, ये इसलिए बना है, लेकिन इसके बीच बीच में नौकरी भी चल रही है, ये देखो नौकरी भी चल रही है, क्योंकि ये ट्रायंगल नौकरी के लिए है, ये 27 वाला ट्रायंगल नौकरी के लिए,
यहाँ पर कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, यहाँ नौकरी करी है, यहाँ नौकरी छोड़ी है, 28 से 29 साल के बीच में ये चीज़ें हुई हैं और ये 29 पर ये वाली नौकरी आपकी लगी है, ये है गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पर आपकी सैलरी जो है बड़ी होगी 30 साल, ये 30 पर एक ट्रायंगल और ये पीछे से एक घर आया है, घर यानी ये वाला कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी FD या कुछ से रिलेटेड है, ये वो है। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये साइन बने हैं, इनके मतलब बता रहा हूँ। ये देखो ये होता है तरक्की की रेखा, तो ये किसके साथ जुड़ी है? स्टडी के साथ जुड़ी है, स्टडी के साथ जुड़ी है, ये भी साथ जुड़ के आ रही है। अब ये और ये जो साइन था, ये है ये वाला जो साइन आया यहाँ पर, ये है इनका जॉब। कोई जॉब करी आपने, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, छोड़ दिया, ये क्या साइन बना हुआ? ये और ये क्या साइन बना? ये बताओ, नीचे जो साइन देखो आप, तो आपको क्या दिखेगा ये साइन पर? ये बहन का साइन। अब देखो मैं 26 बोल रहा हूँ ना, तो ये साइन ऐसे आएगा, ऐसे। अरे बाप रे, 26 से 27, तो ये साइन, यहाँ शादी हो गई। ये क्या है? ये ट्रायंगल लेकर क्या है? ये चेंजिंग हो गई 27 से 28 साल के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह, और जॉब छोड़ी आपने इस जगह पर 28 में। कैसे नहीं समझ आता फिर आपकी जो है ये रेखाएं इस जगह पर ट्रायंगल बना करके बैठी हैं, इन दो रेखाओं के बीच में। ये है आपकी नौकरी। नौकरी के बाद भी आप पेपर दोगे, लो ग्रुप बी का भी दोगे। ये कैसे नहीं समझ आ रही है मुझे? अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको कुछ साइन ऐसे दिख रहे हैं जिस पर दो दो रेखाएं बनी हैं? जरा ध्यान से देखते हैं। 31 साल, 31 थोड़ा सा परेशानी वाला, ठीक है, 31 साल थोड़ा परेशानी वाला रहा, 32 साल ये जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या करोगे? ट्रांसफर, ट्रांसफर। अच्छा सर, ये दो रेखा क्यों आई है, ये डॉट क्यों आया है? यहाँ कोई व्यक्ति जाएगा, जाएगा का क्या मतलब होता है? नियर एंड डियर की डेथ होगी। ये दो रेखा आ चुकी है ना, दो रेखा आई है यहीं पर, तो यहीं पर ये डॉट और ये चीज़ें चल रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर ये मैटर भी होना है। इसके बाद ये वी का साइन क्यों आया? पैसा किसी को दोगे, चाहे बहन या किसी और को, उससे रिलेटेड है। ये एक आइसलैंड और दो प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्या मैटर आया यहाँ पर? ये क्यों साइन बने इस साइड पर ये वाले? ये कौन बीमार पड़ेगा 36 में? लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? ये क्या है डॉक्यूमेंटेशन? और ये समथिंग FD से रिलेटेड क्या है? ये साइन क्या है? ये साइन आपका, आपकी की तरक्की, रीजनल ऑफिस या समथिंग वो है। ये इतना सा जो है आइसलैंड क्यों आया? बहन का साइन क्यों आया छुटकू सा? ये दिक्कत 39 साल पर, इस चीज़ को नीचे तक ले जाओ, नीचे तक ले जाओ, नीचे तक ले जाओ, नीचे तक ले जाओ। जरा देखो यहाँ पर क्या साइन आया है, ये साइन, ये क्या है? प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, लड़ाई हुई थी उस पर पैसा कुछ दे कर क्लियर कराया या बातचीत करके क्लियर हुई 40 और 41 में। अब सर जी इसी समय पर हुई थी हमारी, तो अब जरा मेरे हाथ में 10 साल पहले ही एक लाइन आई थी, मेरी उम्र 12 साल 42 साल की है। अब ये क्यों आई थी, कब से आई थी? सर लगभग 32 साल से। वो चाचा की डेथ कब हुई? 34 साल। बीमार पड़े थे 32 में? हाँ हुए थे। जब ट्रांसफ़र हुआ था? हाँ हुए थे। 33 में दोबारा आपने अपनी ट्रांसफ़र को करके वापस आए थे? हाँ आया था। वो साइन बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर वो बहन को दिक्कत, प्रॉपर्टी मैटर, फिर सुलह करके मिल जाना प्रॉपर्टी।
लॉजिक समझ आ रहा है? ये बहन बहन बहन, देखो समझो, ये साइन ऐसे भी बना है राहु के प्रभाव पर। बहन ने गलत डिसीजन लिया है। देखो आगे और दिखाता हूँ, गलत डिसीजंस के हर चीज में आपको समझाता हूँ तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। देखो इस पतली सी रेखा को ध्यान से देखना, दो रेखाओं के साथ बनी है। 42 साल पर नौकरी छूटना, वाइफ बोला है नौकरी छूटना, ये आइसलैंड है, पत्नी को दिक्कत आना, 41 साल वाइफ से रिलेटेड वापस आना, ये वाला साइन क्यों आया हुआ है इसी साल पर? आपकी जो ट्रांसफर हुई थी या वापस आए थे? सर मैं वापस आया था, और उसके बाद दो रेखा, नौकरी छूट गई। सर ये तो तरक्की की रेखा है, ये कौन है? ये सास ससुर है, बीमार है क्या? हाँ, तो वाइफ मायके में, हाँ ये बीमार है, हाँ। ये जो दो रेखाओं के साथ डॉट आया है, यानी ये डॉट आपकी बीवी और बहन में बनती नहीं है क्या? ना, वो यहाँ नहीं आना चाहती है, आप रखना नहीं चाहते हो, कारण बीवी है, हाँ। अच्छा ये सारे साइन है या नहीं? तो आप ये देखो कि इन साइनों की क्या इम्पोर्टेंस है। इन साइनों की इम्पोर्टेंस है कि ये साइन जब तक नहीं होंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या क्या होने वाला है। इसके बाद देखो इस साइन पर ये क्या है, ट्रांसफर की रेखा है। यहाँ पर ये डॉट का साइन आया हुआ है, यहाँ से अगर ट्रांसफर हो भी जाता है, वापस आप आना चाहते हो, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, ये बीमार पड़ेगा, यहाँ आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसमें भी नुकसान होगी, शेयर मार्केट हो या कोई हो। इसी समय पर ये साइन क्या है, विदेश का है या किसी बैंकिंग शेयर का है या समथिंग का, ये भी बता रहा हूँ, ये छुटकू सा, क्योंकि तो इस रेखा ने इसको छू कर रखा है, इसको छू कर रखा है। क्या नहीं समझ आ रहा, मुझे तो हर एक चीज़ समझ आ रही। अब आप ध्यान से समझना, धीरे 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 कट के निशान, ये एक प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी जो खेत वाली प्रॉपर्टी है उसे लेना चाह रहे हो, बीमारी बीमारी बीमारी, ये क्या है? यानी ये भी चीज़ें होनी, ये साइन ऐसा क्यों बनाया है जो कि यूं गया और यूं बना, और इसी पे प्रॉपर्टी क्यों आई है? जो यहाँ बहन भी वापस आ जाएगी, यहाँ पर एक आपकी प्रॉपर्टी है, खेत वाली प्रॉपर्टी है जो कि चाचा और इनके साथ है, आप उसे खरीदना भी चाहोगे क्योंकि ये रेखा इसके साथ टच है। ओ अब आई समझ, क्या आप बीमारी को बचा पाओगे ऐसी रेखाओं में? ये टेंशनों की वजह से आएगी, टेंशन। 47 साल निकला नहीं यहीं से, आपकी आपके घर पर बीमारी, 46 में तो मम्मी की भी है, 46 में तो मम्मी की, क्योंकि तो इसके बाद ये रेखाएं जो जिस ढंग से चल रही हैं, ये वो बीमारी की रेखा भी। 41 पे सास ससुर और 1 46 पर, ठीक है, 45 से 46 साल के बीच में बहन जो होगी, मैंने लिखा है वो फिर यहाँ पर एक गलत स्टेप उठाएगी, आपको पता होगा वो कहाँ पर, डेफिनेटली पता होगा। और यहाँ पर कोई एक FD वगैरह जो मम्मी के नाम पर होगी, वो मिलना तुड़वाना यानी कुछ हो रहा है, तो बचाओ उनकी, और वो अच्छे डॉक्टर को उनका दिखाओ अच्छे, ठीक है। तो ओवरऑल ये रेखाएं बीमारी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये बीमारी की रेखाएं हैं, एक एक साल की रेखाएं यहां पर इंडिकेट, एक एक साल की रेखा। ये छोटा सा ट्रायंगल क्यों बना 15 साल पर? आप पहले से ही तय थे कि आपने क्या लेना है, कोई साइंस के लिए होता है, कोई किसी के लिए होता है,
ये 13 साल पर ये साइन क्या है जिसका संबंध इस वाले साइन के साथ है? एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है। यहाँ बीमार होना, मम्मी या पापा कोई बीमार होना, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, ये वो साइन है जिसकी शुरुआत 10 साल से हुई थी। यहाँ से ये देखो 10 और 11 से, ये साइन है यहाँ पर। कैसे नहीं पता लगता? 16 साल पर देखो, 15 ये है ना, या 16 साल को देखते हैं, 16 साल का क्या मतलब बनता है? 15 ये देखो, ये नीचे से ये रेखा क्यों घूमती हुई आ रही है, ये रेखाएं क्यों घूम रही हैं? इट मीन्स कि यहाँ पर चेंजिंग है, बहन या भाई चेंजिंग करना, यानी कोई सिबलिंग चेंजिंग करेगा। यहाँ आप भी चेंज करोगे 16 से 17 साल के बीच में। फिर बीमारी की रेखा आएंगी, ये कट के निशान लगे हैं, ये डॉटेड है, बीमार पड़ना। तो मम्मी तो बीमार रहेंगी रहेंगी, पढ़ाई के लिए बचा रखा है, बचा रखा है, बचा रखा है, नौकरी लगनी थी इसलिए चीज़ें हैं। नौकरी लगने के लिए ये साइन क्या उनसे होते हैं? देखो, हृदय रेखा का एक टुकड़ा जिसका संबंध भाग्य रेखा से कमाई होनी होती है, उनका संबंध किसी सूर्य रेखा के साथ टचिंग पे चल रहा होता है तो उसे पकड़ा जाता है, तभी लगती है। ऐसे लग ही नहीं सकती, आपको देखना है कि लग रही है नहीं लग रही, यहाँ पढ़ाई है या नहीं, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। यही रेखा आगे जाकर इस पर जा रही है, पढ़ाई भी करेंगे क्योंकि ये रेखा यहाँ तक चल रही है, कमाई के लिए भी है। तो छोटे छोटे साइन हैं, उनको देखो, आगे बढ़ो। ड्यू क्या लिखा है? ड्यू टू जर्नल एनालिसिस व्हाई डू आई गो फॉर एडवांस पामिस्ट्री क्वेश्चन मार्क। क्यों मैं करूं, मैं क्यों करूं? जब आपने कहा जर्नल एनालिसिस, आपने उस व्यक्ति से कहा कि बस जर्नल एनालिसिस ऊपर ऊपर से बता दीजिए, बस कोई हेल्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मुझे व्हाट शुड बी डन टू मेक फ्यूचर बेटर, फ्यूचर बेटर करने के लिए, तो यानी पैसा, इसमें बताओ आप। भैया मैं निप्पल तो मुंह में डालूंगा नहीं, बच्चा रोए तो निप्पल डाल दो, मैं ही क्वेश्चन उसके बनाता रहूं। क्वेश्चन तो आपको बनाने पड़ने थे, छोड़ दिया। इसके बाद मैंने कहा ये रेखाएं समझा दी, लेकिन बता सकता था आगे भी। जब ये बताई है मैंने यहाँ तक, 56 साल तक बताया है, तो वो नहीं बता सकता था, वो 46 साल तक बताई आपके एक क्वेश्चन के लिए कि वो लाइन क्यों आई थी, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कट के निशान आए हैं ना, यहाँ स्टडी में भी दिक्कत आएगी, स्टडी 18-19 में आएगी, 20 में फिर जगह चेंज करना। ठीक है, ये आपकी स्टडी, थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए सोचना, स्टडी। ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, आप अटक गए, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, था प्रॉपर्टी। 24 से 25 साल ये ट्रायंगल बना, ये रेखा 26 पढ़ाई से रिलेटेड थी, ये एक नौकरी से रिलेटेड थी, नौकरी छोड़ी, बहन वगैरह या आपने भी जगह चेंज करी है, हाँ करी है, ये बीमारी की भी रेखा है, ये कंस्ट्रक्शन है, बहन की शादी हुई थी, ओह आपने बता दिया, हाँ बता दिया, ये बहन 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 क्यों आ रही है? मैंने कहा ना, ऐसे साइन जब भी बनते हैं तो क्या होते हैं, भाई या बहन। ये साइन सीधा है भाई, ये बन गया ट्रेंगल शादी, ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ से अलग, ये राहु 27 से 28 साल के बीच में। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है 29, इसके कारण नौकरी, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी भी होगी किसी की, ये एक ट्रायंगल बन गया 30 30, ये क्या है FD 31, एक पेपर दिया था आपने दूसरी फील्ड का या ग्रुप बी का, 32 पर आकर ट्रांसफ़र, ये कौन है पीछे से बीमार चल रहा है, यानी ये सर चाचा जी को कैंसर हो गया था, इनके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, यस यही मैटर था जो फंसा हुआ था, ये लो ये मैटर फंसे हुए थे, यहाँ आकर उनकी डेथ हो गई, ले लो लो ये पैसा दिया, फंस जाएगा आपका। ये किसको दिया? ये देखो यहाँ पर है, ये
पैंतीस साल पर बहन या किसी और रिश्तेदार को दिया। फिर देखो पैंतीस पर यह क्या है, पैंतीस पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र। छत्तीस पर यह क्या है, आइसलैंड, यहाँ पर लड़ाई झगड़े, बीमारी आएगी आएगी, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर। और ये क्या है, मुसीबतें मुसीबतें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर, ये आ गया, आया नहीं आया, ये देखो यहाँ पर। तो नीचे जाकर देखो 39 पर बहन, दिक्कत, एक प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। हाँ सर, वो हम लोगों ने पंचायत बिठा कर सॉल्व करवा दिया। अच्छा जी, आपने करवाया, अच्छा जी, यहाँ तो दिक्कत आ गई थी बहन को, बहन के घर में यहीं से 39 साल में यहीं पर बहन ने कोई एफर्ट भी लिया है, ये है आपकी सैलरी भी बढ़ी, यहीं पर आपका जो है मैटर। ये साइन नहीं होता ना, प्रॉपर्टी ना मिलती, वो पंचायत आपके फेवर में ना आती, आप पैसा देकर कुछ ना करते, ये ना होता। अच्छा, तो ये सारे साइन यहाँ पर बने हुए थे। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर ये एक आइसलैंड है, यहाँ दिक्कत आई होगी वाइफ को, ये वापस आए हो या ट्रांसफ़र हुई है, 41 साल दो रेखा है, यहाँ पर वाइफ की नौकरी छूट गई, यहाँ से वो अपना घर छोड़ना चाहती है आपकी बहन। यानी अब इस वाले को पकड़ते हैं, यहाँ पर सास ससुर क्यों लिख दिया मैंने, ये देखो ना, अब यहाँ पर दो रेखा आई हैं, तो ये दो रेखा होती है, कोई चीज़ छुड़वाएगी क्या, वाइफ की जॉब छुड़वा दी, वाइफ को यहीं से दिक्कत आ रही है। ये वैसे तो सही चल रहा था, लेकिन उनके आपके ससुराल में कोई बीमार पड़ा होगा, अब वहाँ पड़ेगा तो आप मिलने जाना, ये सारी चीज़ें करना। अच्छा, ये क्या, एक शेयर है, एक शेयर के अलावा एक बैंकिंग शेयर, विदेश का शेयर, विदेश जाना। अच्छा, विदेश तो नहीं है, कहीं आपकी बहन विदेश, तो 39 साल पर विदेश गई थी क्या वो, जब वो आइसलैंड है, हाँ, तो 41, ये देखो 45 के, 44 और 45 के बीच में भी ये साइन है, दूसरी कंट्री में, या तो आप भी जाओगे यहाँ पर, ये क्या है, आपकी ट्रांसफ़र होना, यहाँ पर पैसा किसी को लगाओगे तो वेस्टेज जाएगा, ये 46 साल के करीब करीब में आ रहा है, तो इसको टेस्ट करना है कि यहाँ पर कौन था, तो वो माता जी थी। यहाँ पर ये साइन जो आ गया था, ये क्या सी बना हुआ है, डॉट है, यहाँ पर ये बीमारी है, तो बीमारी है। ये 45 पर बहन का फिर दिमाग ख़राब होगा, ये क्या है, कोई FD होगी मम्मी के नाम पर, देन उस पर खर्चे होना, यहाँ छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहन का पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो, बहन अपना जगह चेंज कर लेगी 47 से 48 साल के बीच में, बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये साइन जो है 51 और 52 पर, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, 51 और 52 पर ये जो है चाचा ताऊ वाली प्रॉपर्टी को अपना लेना और बहन भी आसपास आना, ये इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बीमारियां तो रहेंगी रहेंगी, और वैसे तरक्की की रेखा बनी है, 50-51 में पैसा तो है ही है। यहाँ पर ये 54 पे बीमारी, 55 पर दो रेखाएं हैं, यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी, कोई नौकरी छूटेगी या कुछ होगी। यहाँ पर ये क्या है, 55 से 56 साल के बीच में, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर बहन जाएगी, यानी बहन कुछ समय आप उनकी ठीक रहेगी, बाद में फिर दिखते रहेंगी। अब आप क्वेश्चन कहते हो कि बहन की को की रिलीफ के लिए कुछ उपाय दे दो, ये तो नौकरी ना लगे उसकी उपाय, ऐसा नहीं होता कि हाथ जिसका किसका है, आपका है, तो आपको उपाय मैं दूंगा, आपके लिए दूंगा, उनका हाथ आएगा, उनके कौन से ग्रह कमज़ोर है, उनके लिए होगा वो। तो अब आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक्स करी, खुद बताइए क्या ब्लंडर मिस्टेक। 35 में ये जो देखो डॉट, ये जो साइन बन रहे हैं, और नीचे क्या कहा था, पैसा देना। मैं अटक जाता हूँ वो साइनों को देखकर, इनके मतलब हैं, व्यक्ति को याद दिलाना पड़ता है कि ये हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि चीज़ें मैच होती हैं। तो वही कहते हैं, ये मत करो, एक पंजाबी में कहते हैं, पिद पिद के बारी आ गई, वो भी ले गया कहाँ। वैसे बड़ी मुश्किल से आपने एनालिसिस करवाया, और वो भी कोई आदमी कहते हैं, जैसे एक आदमी ने फील्डिंग कर रहा है बहुत, और पहली गेंद पर ही आउट हो गया, वो जब बैटिंग आई तो पिद पिद के बारी आई, वो भी ले गया कहाँ, यानी आउट हो गए आप। तो आउट तो आप हुए हुए हो क्वेश्चन ना देकर। ये मैं यहाँ ससुर वाइफ सब कुछ लिख सकता हूँ, तो क्या नहीं बता सकता। तो ओवरऑल आपको नौकरी में कब ट्रांसफ़र होनी है वो आप अब ध्यान से समझ लो। आप मैं क्या कहना, दो रेखा है ना, एक गलत डिसीज़न है, सुसाइड करना, घर छोड़ देना, दूर जाना, घर ना बनाना, मैंने कहा है ये तलाक नहीं है उनका, ये समझ ले रहे ना। यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ना, आपकी बहन के घर में कोई बीमार पड़ना, ये तरक्की की रेखा है, आपको वैसे अपने लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि
या दूसरी स्टेट या जिला में जाना कहीं पर, यहाँ पर विदेश की रेखा शेयर मार्केट, ठीक है, ये शेयर होल्ड कर रखा होता है, यहाँ नुकसान हुआ होगा शेयर में, यहाँ नुकसान हुआ होगा शेयर में, ये भी आप समझ लो। अब यहाँ पर क्या है, इधर शेयर पे नुकसान होगा, यानी इस चीज़ का यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। वैसे तरक्की की रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी इस समय पर, ठीक है। यानी यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान दो। अब इधर आगे जाकर क्या है ये रेखा, ये बीमारी की रेखा है, 46 पर तरतालीस पर बीमारी, 46 पर बीमारी, 43 में सास ससुर आपकी, 46 में माता जी, इनसे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ये 44 साल पर ये रेखा है दूसरी स्टेट या विदेश की, उसके बाद जो है 45 में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यहाँ पर मैंने लिखा है वाइफ कहीं पर, आप कहीं पर, बहन यहाँ से गलत डिसीजन दोबारा ले सकती है। और 46 पर एक डॉक्यूमेंटेशन, कोई FD से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये साइन जो होते हैं अपने से बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बहन भी अगर थोड़ी सी बड़ी है उसके लिए भी ये साइन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ये बीमारियाँ शुरू हो रही हैं, देखो बीमारी शुरू हो रही है तो बीमारी का रेखा यहाँ से बता ही चुका हूँ, चाचा ताऊ और वो प्रॉपर्टी और बहन भी आसपास, यानी आपकी लाइफ में बहन वर्ल्ड जो है उसकी मदद करना, जिसके कारण आपकी लाइफ में गुल्लक टूटना और वाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, तो ये तो है ही है आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी बीमारियां 47 साल के बाद ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ इनसे रिलेटेड चीज़ों पर, लेकिन ओवरऑल पैसा रहेगा, ठीक है। ये है आपके हाथ का, जिसमें कि आपको सूर्य, आपको मैंने कहा आपका कमज़ोर है, केतु कमज़ोर है और आपका शुक्र कमज़ोर है, तो आपको सारी बीमारी शुक्र की लगनी ही लगनी है, ठीक है, लगनी ही लगनी है। और चंद्र आपका जो है एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, क्यों ये वाला हाथ में ये जो साइन आए हैं ना, ये इसमें कुछ पिंकिश है, रेडिश है, ब्लूइश भी है, ब्लूइश आना गलत है, ब्लूइश आना गलत है, डेफिनेटली गलत है, याद रख लीजिएगा ये गलत है। इट मीन्स खून को पतला किया जा रहा है, ये खून को पतला करना इट मीन्स कि कोई बीमारी पनपेगी, और जो पनपेगी उसका कंसर्न जो होगा ना वो आपका शुक्र का होगा, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये चंद्र की बीमारी नहीं देगा, नहीं देगा ये चंद्र की, ये देगा तो ये इसकी देगा, जो ये ब्लूइशपन आता है ना ये शुक्र के लिए आता है, याद रख लेना ब्लूइशपन, मुझे इसमें ब्लू कुछ कलर दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको वो बीमारियां बताई थी। तो ओवरऑल ये तीनों उपाय आप ले लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो, मैं कहता हूँ, ठीक है। राइट हैंड को मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं केवल राइट हैंड की विवेक शक्ति देखता हूँ, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि ये रेखा क्यों आई, ये रेखा क्यों आई, पीछे से क्यों सारी चीज़ें बन रही हैं, पीछे से क्यों बन रही हैं, इट मीन्स इनका संबंध कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से होगा, होगा डेफिनेटली होगा, कोई नियर एंड डियर की डेथ नहीं के लिए नहीं होती, सब बेवकूफ बनाने वाले बैठे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।